होगा। शायद इतनी जोर से भी नहीं। उड़ते हुए अच्छी लग रही हो प्रिंसेस ट्वाइलाइट। एप्पल जैक, तुम्हें मुझे ऐसे बुलाने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने पहले ही अपना क्राउन पहनने से मना कर दिया है। कम से कम तुम नई टाइटल को स्वीकार तो कर ही सकती हो। बाकी पोनीज मुझे प्रिंसेस कहकर बुलाना चाहे तो ठीक है, वो बुला सकती हैं, लेकिन मेरी दोस्त नहीं। मुझे ये सब अजीब लगता है। हाँ, और ये उड़ना भी अजीब लगता है। समर सन सेलिब्रेशन में बस दो ही दिन बाकी है और मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। अपना सारा वक्त नीचे बिताओगी तो तैयार हो भी नहीं पाओगी। अब यहाँ ऊपर आओ और सबको अपनी शानदार फिनिश दिखाओ। जो है स्ट्रॉन्ग भी शेयरिंग काइंडनेस है इजी और मैजिक से ही जिंदगी मेरी दोस्ती है। तुम बहुत अच्छी लग रही हो डार्लिंग। उन्होंने तुम्हारी शाही अंदाज को बखूबी कैप्चर किया है। हाँ शायद। ओ इतनी भोली भी मत बनो, ये तो हर पोनी का ख्वाब होता है कि किसी दिन उसे भी क्राउन पहनने का मौका मिले और उसकी भी कॉर्नेशन सेरेमनी हो। मुझे नहीं लगता कि यह हर पोनी का ख्वाब होता है। मेरी ड्रीम तो क्रीम के बारे में होते हैं। हमें चलना चाहिए वरना ट्रेन छूट जाएगी। फ्लटरशाई सही कह रही है। तुम सबका तो पता नहीं, मुझे अभी बहुत सारा काम करना है। भले ही ऑफिशियल सेलिब्रेशन यहाँ कैंटलॉट में हो रहा हो, पर वूवी में मेयर ने एक शानदार पार्टी का इंतजाम करने की जिम्मेदारी हम पे सौंपी है। ओ तुम इतनी उदास मत हो शुगर क्यूब। तुम बाकी सब प्रिंसेस के साथ वहाँ होगी जब सेलेस्टिया आसमान में सूरज को लाएगी। मुझे अच्छा लग रहा है, मैं सच कह रही हूँ। बस वो क्या है ना कि समर सन सेलिब्रेशन की वजह से हम पहली बार मिले थे और ये सोचकर ठीक नहीं लग रहा कि ये खास दिन मैं अपने पोनीवेल के दोस्तों के साथ नहीं बिताऊंगी। हमें भी ये ठीक नहीं लग रहा डार्लिंग। अगर मेयर को हमारी मदद की जरूरत नहीं होती तो हम जरूर तुम्हारे साथ यहीं पर रुक जाते। और बेशक हम समझते हैं कि तुम्हारी शाही जिम्मेदारियां सबसे पहले हैं। समर सन सेलिब्रेशन जरूर हमें एक साथ लाई है, पर उससे भी बड़ी एक चीज है जो हमें हमेशा एक साथ बांधे रखेगी। एग्जिबिट ए, हम छह एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी की मदद से एक साथ है। बड़ी से बड़ी शाही जिम्मेदारी भी इसे बदल नहीं सकती। है ना पोनीज? हाँ। है ना पिंगी पाई? क्रीमी क्रीमी फ्रॉस्टिंग। उसका मतलब है हाँ। हम तुम्हें खत लिखेंगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम हमारे साथ पोनीविल में ही हो, है ना गर्ल्स? और सेलिब्रेशन के बाद तो तुम हमसे मिलोगी ही। तुम्हारे आने पर हम बात करेंगे कि तुम्हारे घर में क्या शाही अपग्रेड्स किए जाने चाहिए। मेरा मन नहीं लग रहा स्पाइक। उन्हें गए बस एक ही मिनट हुआ है और मैं अभी से उन्हें मिस भी करने लगी। प्रिंसेस के लिए। प्यारी ट्वाइलाइट, तुम कुछ नहीं मिस कर रही हो, तुम्हारी दोस्त पिंकी पाई। वो मैं हूँ। पर मैं मिस कर रही हूँ और वो भी बहुत ज्यादा। चेक 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 एंड चेक। हाँ, पता है हम शेड्यूल से आगे चल रहे हैं। इसकी वजह है तुम्हारा होशियार असिस्टेंट। मैं भी। जश्न परसों से पहले शुरू नहीं होने वाला। हम जल्दी से पोनीविल का एक चक्कर मार कर आ सकते हैं और उसके बाद भी हमारे पास इवेंट की तैयारी करने के लिए काफी वक्त बचेगा।
ये बहुत अच्छा होगा स्पाइक, पर हमारे जाने के बाद कुछ और काम आ गया तो? किसी वजह से हमें आने में देरी हो गई तो मैं लिस्ट का सारा काम खत्म कैसे करूंगी? अगर पोनीविल के रास्ते में ये लिस्ट खो गई तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से काम हो गए और कौन से काम बाकी हैं? और फिर हमें कितना वक्त लग जाएगा ये पता करने में कि कौन सा काम हमने कर लिया है और वो कौन सा जरूरी काम बाकी रह गया जिसकी वजह से पूरा सेलिब्रेशन बर्बाद हो गया? तो हम नहीं जा रहे हैं ना? ये मेरी पहली शाही ड्यूटी है जो प्रिंसेस सेलेस्टिया ने मुझे दी है। मैं उन्हें निराश करने का खतरा नहीं ले सकती। और मुझे यकीन है तुम ऐसा नहीं होने दोगी। योर हाइनेस, अब इसकी जरूरत नहीं है प्रिंसेस ट्वाइलाइट। माफ कीजिएगा। माफी की कोई बात नहीं है। सॉरी।